बाल स्वरूप में, जो स्वरूप शंकर जी के हृदय में, जो स्वरूप का कुसुंडी जी के हृदय में, वही रूप लेकर के सामने प्रकट हो गए। अरे नील सरोरुह नील मणि अनिल नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी अकोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिस स्वरूप को देख करके लज्जित होता है, ऐसा बाल स्वरूप लेकर भगवान प्रकट हो गए। चकोर बन करके मनु शत्रुता देख रहे हैं। एक घंटा चार घंटा हो गया। राजा मनु ने कहा एक पैर से 10,000 वर्ष तक खड़े थे, एक बार चाय नाश्ता भेजे, एक बार हाल चाल लेने आए, 5 घंटा से खड़े हो, अब पता चल रहा है कि खड़ा होने में मजा है कि सजा, खड़े रहो नहीं मांगूंगा। ये भक्त भगवान का संबंध है। राजा मनु कह रहे हैं खड़े रहे भगवान सन। कुछ देर बाद फिर धीरे से भगवान बोले कुछ तो मांग लीजिए महाराज। राजा मनु ने कहा हाँ हाँ मांगूंगा, आपकी तरह मैं खड़ा नहीं रखूंगा, मैं जिस स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने के लिए ये मैं साधना तपस्या किया वो दर्शन मिल रहा है, इसलिए मेरे ठाकुर आप देना चाहते हो तो मैं मांग रहा। नाथ कहूं सत भाव अच्छा हूं तुम ही समान सुत, अप्रभुषण कवन दुराव, आपके समान पुत्र चाहिए, चाहूं तुम्हें समान सुत। भगवान ने कहा बेटा बेटी छोड़ कर आए हो फिर बेटा मांग रहे हो। राजा मनु ने कहा आप बेटा बनोगे तो उसका महत्व कुछ और है, जो बेटा बेटी छोड़ कर आया हूं उनका महत्व कुछ और है। राजा मनु से पूछा गया आप पुत्र क्यों मांग रहे हो, तो राजा मनु बड़ा गजब उत्तर दिए, ध्यान से सुनना। राजा मनु ने कहा मैं पुत्र के रूप में इसलिए मांग रहा हूं, मैं भगवान का दर्शन करके अपना कल्याण कर लिया, मैं राजा हूं, राजा का धर्म होता है कि मेरे प्रजा का कैसे कल्याण होगा, इसलिए पुत्र मांग रहा हूं कि ये जब बेटा बनकर पुत्र बनकर के आएंगे तो हमारी सारी प्रजा इनका दर्शन प्राप्त करेगी तो सारे प्रजा का कल्याण होगा, इसलिए चाहूं तुम ही समान सुत अप्रभुषण कवन दुरा।